नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, चीन की आलस्य लगता यूं है कि उसका मानसिक संतुलन या तो बिगड़ गया है या फिर उसे अपनी सैन्य ताकत का से ज्यादा गुमान है। वह केवल अपने पड़ोसी देशों को ही आंखें नहीं दिखा रहा है बल्कि सुपर पावर अमेरिका को भी धमकाने में लगा है। इधर भारत से चीन का मामला तनाव की सीमा पार कर चुका है और अभी भी आसार नहीं है कि पेंगोंग त्सो लेक का मुद्दा इतनी जल्दी सुलझ सकता है। यह मामला हर बीते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा है जिससे इसके लंबा खिंचने की संभावनाएं बढ़ गई है। अब यह विवाद बातचीत से नहीं सुलझा तो दोनों देशों में जंग की रणभेरी बजना तय है। यूं भी दोनों ही देशों की सेनाएं अपने अपने इलाके में युद्ध की तैयारियों में जुटी है। ऐसे में कब स्थिति बिगड़ जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। भारत से तनातनी के बीच अब ताइवान के खिलाफ चीन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कर्नल रेन गुओक्यांग ने सीधे अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। पैट्रियट मिसाइल डील करने से बढ़कर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। गुओक्यांग ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अब हमारे पास ताइवान पर सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर अमेरिका ताइवान की सहायता को आया तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। गुओक्यांग ने कहा है कि अमेरिकी सेना जिस प्रकार ताइवान के साथ युद्धाभ्यास कर रही है वह सीधे सीधे चीन को चुनौती है जिसका चीन की तरफ से हर हाल में करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सेना को भी इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन की ओर से अमेरिका को इतने कड़े शब्दों में पीएलए ने पहली बार धमकी दी है। वैसे भी दोनों देशों के बीच साउथ चाइना सी उइगर एम्बेसी को बंद करने को लेकर विवाद पहले ही चरम पर है। ऐसे में ताइवान में अमेरिकी सेना की उपस्थिति से चीन और अमेरिका के बीच कभी भी ठन सकती है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह चीन की वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना सीखे। गौरतलब है कि चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान और हांगकांग को अपना क्षेत्र मानता है जबकि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का पक्षधर है। खास बात यह है कि अब भारत भी ताइवान को चीन से अलग करके देखने लगा है। हांगकांग के मुद्दे पर भी दुनिया में चीन अलग थलग पड़ गया है। चीन इसलिए भी आग बबूला है कि क्योंकि ताइवान स्टेट में अमेरिका बेहद आक्रामकता से चीन की घेराबंदी करने में जुटा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कर्नल रेन गुओक्यांग की इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खासकर चीन की सेना ताइवान स्टेट में युद्ध की पूरी तैयारियों के साथ डेरा डाल चुकी है। पीएलए लगातार युद्धाभ्यास करके अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में चीन ने भी अब आक्रामकता वाली राह पकड़ ली है। दरअसल जिस ताइवान के लिए अमेरिका और चीन आमने सामने है वह 1949 से पूर्व चीन का हिस्सा हुआ करता था मगर 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काईशेक के नेतृत्व वाली कोमिंगतांग सरकार का तख्ता पलट कर दिया था जिसके बाद चियांग काईशेक ने ताइवान द्वीप में जाकर अपनी सरकार का गठन किया। उस वक्त कम्युनिस्ट सरकार के पास मजबूत सेना नहीं थी इसलिए उन्होंने समुद्र पार जाकर इस द्वीप पर अपना अधिकार नहीं किया। तब से ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हुई तो उसने ताइवान को हासिल करने के लिए सेना के इस्तेमाल पर जोर देना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग ने चीन की गद्दी संभाली तो उन्होंने ताइवान के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। खुद ताइवान के पास भी आज अपनी सेना मौजूद है। इसी सेना को अमेरिका का खुला समर्थन भी प्राप्त है। इस वजह से भी चीन ताइवान पर आक्रमण करने से बचता रहा है। यूं भी इससे पहले चीन ताइवान के संबंध ज्यादा खराब नहीं थे। जब से साइन वेन की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आई है तब से चीन के साथ ताइवान के रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। इन रिश्तों में आग में घी डालने का काम अमेरिका ने भी किया है। चीन की तिलमिलाट उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब अमेरिका ने ताइवान को पैट्रियट मिसाइल से लैस कर दिया। चीन इसी पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी मिसाइल को सबसे बड़ा खतरा मानता है। ताइवान के पास मौजूद पैट्रियट दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागे जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। कुवैत में तैनात इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की कई मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया था। ताइवान ने पिछले साल ही अमेरिका से $2 अरब के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें पैट्रियट मिसाइल भी शामिल थी। चीन उसी वक्त से अमेरिका को अपनी दोस्त दिखाता रहा है। अब जिस तरह से चीन की तरफ से उकसावे वाले बयान आ रहे हैं उससे मामला काफी गंभीर हो गया है।
चीन के लिए ऐसे विवाद खड़े करना पहले मजबूरी हुआ करती थी, अब जंग करना जरूरी हो गया है। देश में ही जिनपिंग के खिलाफ जनता विरोधी होती जा रही है, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी को अपने प्रभाव पर संकट मंडराता दिख रहा है। कोरोना वायरस ने चीन को दुनिया में आशे पर धकेल दिया है, इसलिए दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चालाक साम्यवादी नई चालबाजों को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें ताइवान या भारत के साथ जंग की मजबूत संभावना है। चीन की दिक्कत यह है कि ताइवान के आगे अमेरिका अड़ा है, तो वही सुपर पावर अमेरिका भारत के पीछे भी खड़ा है। दोनों ही मोर्चों पर अमेरिका उसके सामने बड़ी बाधा बन गया है, इसलिए जिनपिंग के प्यादे बार बार धौंस और चेतावनियों से प्रतिद्वंद्व को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ताइवान पर आक्रमण की दी गई यह धमकी नहीं है, मगर यह धमकी इस बार सेना की तरफ से जारी हुई है, वह भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कर्नल के द्वारा दी गई है, इसलिए आसानी से इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। यानी चीन यकीनन इस बार धमकी को हकीकत में बदलने के मूड में है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत पर उसका हमला कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है, फिर दुनिया का दबाव भी सहने की ताकत चीन में नहीं बची है, जबकि ताइवान का मसला खुद उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। चीन बड़ी चालाकी से उसे निजी मामला दर्शा सकता है। पाकिस्तान जैसे चीन के गुलाम देशों ने अभी तक ताइवान को मान्यता नहीं दी है। ये देश चीनी कर्ज में गोते लगाकर वन चाइना पॉलिसी का झंडा बुलंद करते रहे हैं। अब चीन समझता है कि अगर इस बार उसने ताइवान को वापस नहीं लिया तो वुहान वायरस से चीन पर कुपित दुनिया ताइवान को अलग राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर देगी, इसलिए भी चीन ताइवान पर हमला करने के लिए तुड़फुड़ा रहा है। पर सवाल यही है कि अगर जोश में आकर चीन ने गुस्ताखी की तो अमेरिका उसे घायल ही नहीं नेस्तनाबूद करके ताइवान स्टेट से जाएगा, क्योंकि अमेरिका की साउथ चाइना सी में मौजूदगी इस बार पूरी तैयारी के साथ हुई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।